प्राइवेट बात शेयर करिए। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग गाइज, वेलकम टू मिस बैन ममाज व्लॉग। गाइज मैं जा रही हूँ अभी जिम, और जिम से आने के बाद मैं मिलूंगी निदा लोग से, क्योंकि निदा लोग जा रहे हैं बाहर। तो सोच रही हूँ सब लोग, मतलब मैं, निदा, ये लोग जो भी अवेलेबल होगा, मोहम्मद भाई को भी पूछती हूँ, सब लोग मिलते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं। मम्मा की भी कल छुट्टी है और देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। गाइज तो गाइज ये लोग अभी रेडी हो गए मेरे घर पे चलने के लिए, और निदा ने मंगा ली है दो दो यहाँ पर चॉकोलावा के, एक अपने लिए एक मेरे लिए। और सुफियान मेरी सब हंडी पकड़ के जा रहा है, लेकिन सोचता है कि कैसे सोच रहा है मेरे लिए मैं खा गई। अच्छा तुम्हारा है, अच्छा नहीं खाना चाहेगा तो मैं खा लूंगी। हाँ तो तुम ही खाओगे, हम लोग को मालूम है। तो गाइस घर पे हम लोग आ चुके थे और सब लोगों ने खाना भी खा लिया है मंगाकर। मोहम्मद भाई हम लोगों के लिए नूडल्स लेकर आए थे, और निदा ने हम लोगों के लिए चॉकोलावा केक मंगाया था, और सबने अच्छा आराम से पेट भर के खा लिया। मम्मा ने थोड़ा सामान यहाँ पर वहाँ पर गिरा भी दिया था। और क्यों क्यों नहीं कर रहा, क्यों तुम्हारा गलती से क्या गिर गया? झाड़ू लगवाया इसीलिए। बोल रहा मैंने झाड़ू लगाया पोछा मारा। तो गाइस मम्मा ने मस्त झाड़ू मारा है और पूरा साफ किया है, और अब मम्मा यहाँ पर बैठ गए अपने बिजनेस टॉक्स करने, और हम लोग जा रहे हैं अंदर क्योंकि हमें बिजनेस टॉक्स बिल्कुल नहीं करनी है। दिस इज फ्री टाइम। एक्चुअली मैं और मोहम्मद भाई एक ब्रांच खोल रहे हैं। अच्छा ओके, जिम का। अच्छा सपनों में उसमें केक भी मिलेगा। ओके और इंशाल्लाह सुफियान भी, नहीं सुफियान का नहीं बोलूंगा, सुफियान जब खोलेगा, जब सुफियान जिम के कपड़े देगा वहाँ पर, सुफियान वहाँ पर जिम के कपड़े देगा, सुफियान जिम के कपड़े देगा और जिशान लेके जाएगा फ्री। और गाइस मैं वहाँ जाऊंगी जिम करके, केक खाऊंगी अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर। ये लोग क्लाइंट को केक बनाएंगे, मैं कितने कपड़े फाड़ूंगा। तो गाइस ऐसा सच में नहीं है कि ये लोग जिम खोल रहे हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं। और कल मम्मा नहीं जाएंगे सुबह 5 बजे काम पर, तो आज हम लोगों ने रज्जगा रखा अपने घर पे ताकि हम लोग सब बैठे मजे करें। और मम्मा बोल रहे हैं मोहम्मद भाई को कि मोहम्मद भाई अपने घर से खाना बनवाओ। क्यों मम्मा? खाना इसलिए बनवाओ क्योंकि इनकी बहन खाना बहुत अच्छा बनाती है। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अभी तो स्टैंडर्ड सेट कर दिया, अभी बनवाना ही पड़ेगा। तो गाइस हम लोग ने संडे का कुछ प्लान बनाया है, तो इंशाल्लाह हम लोग आपको दिखाएंगे ब्लॉग में कि मोहम्मद भाई क्या लेके आ रहे। तो हम लोग 5 लोग रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 लोग रहेंगे, 7 लोग रहेंगे मिसबा को मिला के। जबरदस्ती में तो 2 लोग बिना जा रहे हैं गाइस यहाँ पर। और क्या, बस मिलके खाएंगे। और निदा लोग जा रहे हैं अपनी मम्मी के घर पे फिर से। Yes. अब कितने दिन बाद आओगे? 4 दिन बाद आएंगे ये लोग दोनों। और 4 दिन तक हमारे घर में सन्नाटा छाया होगा बिल्कुल। चलो चैन की नींद तो मिलेगी, मैं तो यही सोचता हूँ। अल्लाह देखो गाइस, देखो देखो देखो। नहीं एक्चुअली कैसे है मन में क्या, नहीं मिसबा घर पे रहती था हम लोग के थर्ड टाइम तक, तो मैं मुझे थोड़ा टीवी बी टाइम लेती हूँ। अब दर्द होगा मम्मा को। अब मम्मा तुमको बहुत वो हो जाएगा कि मैं तुम्हारे सर पे बैठी रहूंगी। मेरे को दर्द होगा पर मैं अंदर से जो खुश हूँ ना भाई। क्यों खुश हो? क्या निदा लोग जा रहे? निदा लोग जा रहे तो वो लोग अपने काम से जा रहे, तो क्यों खुश हो? खुश इसलिए होगी तू घर पे चुपचाप रहेगी और मैं अंदर सो जाऊंगा, तू मुझे फोर्स नहीं करेगी। क्या चीज का फोर्स नहीं करती वो? फोर्स कर, अरे नहीं मैं देखी हूँ, नहीं करती, नहीं करती ना। अभी लोग के जाने के बाद बोलती है तुम अंदर क्यों चले गए, सो क्यों गए, ऐसा ऐसा बोलती है भाई, ये बहुत बोलती है, मारती है ना। हाँ 2-3 बार तो मार भी दिए। तो हाँ गाइस अभी मैंने एक नया पट्टा खरीदा है सिर्फ और सिर्फ मम्मा को मारने के लिए। धुलाई का पट्टा, धुलाई का पट्टा खरीदा है। और अब अपने गले में रहेगा, रात में निकल के पड़ेगी। तो ये नहीं बोलना था, ये नहीं बताना था ना, मेरा आदमी बहुत सीधा है जैसा दिखा रहे है ना। जिस दिन गाइस मेरा आदमी कोई हरकत करे मैं आपको जरूर दिखाऊंगी कि ये कैसा मेरे साथ कर रहे। गाइस यहाँ बैठे बैठे ना मिसबा ने मेरी एक प्राइवेट बात शेयर कर रही है। एक्चुअली मैंने कल एक व्हाइट टी शर्ट पहना था जो आप लोग ने ब्लॉग में देखा है, और वो पीछे से बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी। तो हम लोग यहाँ मिसबा 2 लड़के बैठे, देखो यहाँ सुफियान और मोहम्मद भाई बैठे। तो क्या सुफियान है? हाँ तो क्या समझ गए लोग आज का? आज आज मोहम्मद भाई को एक कमेंट भी आया था कि मोहम्मद भाई कितने हैंडसम है। ओहो मोहम्मद भाई की जुल्फों में लड़कियां मर रही है लग रहा है। ओहो
तो गाइस वो सब इग्नोर करते हुए, हाँ मिसबा क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी, मम्मा जब नहाते तो गर्दन अच्छे से नहीं घसते, तो मैं उनको एक बार बोल रही थी कि अच्छे से घसो, अच्छे से घसा करो, अच्छे से घसा करो, तो मैं को बोलता कुछ नहीं होता, बोले सब ऐसे ही नॉर्मली है, वो बोले थोड़ा सा सब हो जाता है सब साबुन लगाने से। मैं बोली जिस दिन तुम व्हाइट पहनोगे उस दिन दिखाऊंगी, और अब वो मेरे को मौका मिला कि इन्होंने पहना व्हाइट और हुई कॉलर काली, तो मैंने इनको दिखा एकदम जूम करके कि आपकी कॉलर काली हो चुकी है, अब अपनी गर्दन घसा करो, स्पेशल काटा लाऊंगी आपके लिए, रोज का जो काटा रहता है ना उससे बना हुआ लूफा लाऊंगी, उससे अपनी गर्दन घसो। हाँ। लूफा क्या होता है भाई, लूफा लूफा क्या होता जैसे हम लोग नीचे के घर को साफ रखते हैं, वैसे ऊपर के घर को साफ रखना चाहिए। ऊपर के घर को साफ रखना चाहिए, तो इसका मतलब ये कि मिसबा का घर साफ रहता है, ओके, तो सुफियान अपना घर भी साफ रखते है। देखो देखो जो साफ करता है, ये इतना बात, ये कुछ नहीं करता गाइस, ये कुछ भी नहीं करता, झूठ मत बोला, हम अपनी आंखों से देखते हैं, तुमको 10 बार एग्जांपल देती हूं, बेचारा तुम्हारा भी घर साफ कर रहा है यार, वो गिर गया बेचारा, पूरा दाना सुफियान ने उठाया। हाँ, और पूरा सवाब उसको मिला, हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग ने खाली हमाली में हाथ बटाए और अपना भी सवाब ले गए भाई, हम लोग मोए मोए कर रहे थे। गाइज अभी हम लोगों ने बैठे बैठे डिसाइड किया है कि अभी हम लोग सब एक एक वर्ड देंगे मम्मा को, और मम्मा वो वर्ड को रिपीट करेंगे, और हम लोग को स्लो मोशन में नहीं बोलेंगे, फटाफट बोलना है, ठीक है, और नो रेपिटेशन, डिक्टेशन होगा मम्मा का आज। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे निदा से। अरे यार मैं वर्ड ढूंढ ही रही थी। अच्छा अच्छा, सुफियान से। एंटीसिपेशन। 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 अभी निदा हाइफ़न, बस हो गया, जो हो गया हाइफ़न, मतलब जो सुनूंगा वही बोलूंगा ना, अपोस्ट्रोफी। बोलो जो फिर वो सुन, अपोस्ट्रोफी। जो मैं अभी मैं एक वर्ड देती हूँ उसको मैं बोलूंगी चिको सोलो वाकिया, चिको सोलो वाकिया, वो बोलो, वो बोलो क्या, फिनोफिलिन, फिनोफिलिन। अभी गाइस माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब गाइस वर्ड है ना, इन लोग कुछ नहीं कर पा रहे, हेलो हेलो, घड़ी टूट गई, और उछलो और उछलो भाई, काब्स बोलो। अभी गाइस इनको ना हमको वर्ड एक्सप्लेन करने का एक जो हिंदी में बल्ले बोलने का बेचारे, आप अभी उदास हो गए, अभी एक घंटा गाड़ी बनाएंगे, फिर मिलते हैं गाइस, पहले गाड़ी बन जाए फिर मिलेंगे। क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन बताओ ना, प्रोटीन के साथ और क्या रहता है, कार्ब्स। अभी कैमरे के पीछे इतना मत, फिर कुछ टूट जाएगा। मैं कल के कमेंट में लोग, गाइस आप लोग ने मेरे लिए कमेंट किया, थैंक यू सो मच, लो मेरी बहुत फिल्म बना, थैंक यू नहीं होता, थैंक यू होता है, थैंक यू ही बोला मैंने। अच्छा मामा अपन, अच्छा सुनो, अपन वहां जाते हैं नीचे जब सब्जी लेते और कुछ और भी लेते साथ में, जो तुम सुबह में टिफिन में लेके जाते हो, कुछ तो मीठा मीठा जो झाड़ पे उगता है, सब चीज झाड़ पे उगता है, जैसे तू तू डायरेक्ट आई क्या, मैं झाड़ पे उग के आई हूँ क्या, भाई लेम था एकदम, क्या ले गया तो लेम ही देते रहते ये खाली, हाँ बादाम नहीं, मीठा मीठा पल्पी पल्पी। चलो कितने फ्रूट्स के नाम तुमको याद है, फ्रूट्स कितने कितने फल फ्रूट्स का, हाँ ये बोलना चाहते, मम्मा क्या बोलते हो तुम, क्या लेना है साथ में बाजी के, जो तुम बोलते हो वो बोलो, फ्रूट्स बोलता हूँ मैं, बहुत कितने फ्रूट्स होते हो, कितने फ्रूट्स याद है तुमको, मेरे को एप्पल बनाना ऑरेंज ग्रेप्स, ग्रेप्स ग्रेप्स, और चीकू, हाँ मौसम्बी, मौसम्बी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, संतरा। अरे संतरे को भी क्या बोलते हैं वो भी बताओ, मेथी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो मालूम है वो बोलो, अच्छा चलो जो मालूम है, नॉन वेजिटेरियन,
बोलो ये है वो आदमी। सब्जी को क्या लोग एक दो तीन चार चारों मिलके मेरा कुछ नहीं। अच्छा, जो जो अच्छा इंसान है वो जन्नत में जा रहा है, जो बुरा इंसान है वो कहाँ जा रहा है? जोजक। गाइस कल जोजक था, आज जोजक है, अब वो जोजक कभी नहीं होगा। जोजक गाइस, जोजक और जन्नत ये हमें हर इंसान को पता है। अरे यार वेजिटेबल के नेम, फाइव वेजिटेबल गलती ना कर दू पहले मनी मन में सोच। बैगन ये ओके नहीं नहीं भाई इंग्लिश में बोलने लगा भाई, हिंदी में बोल देगा ये आदमी। हाँ इंग्लिश में बोल रहा है भाई, सही बात है। बैगन को इंग्लिश में क्या बोलते बताओ? लेडीज फिंगर बैगन को बैगन को लेडीज फिंगर बोलते बैगन को पत्ता गोभी को क्या बोलते भाई? पत्ता गोभी कैबेज। फूल गोभी को क्या बोलते? फूल गोभी को बोलते हैं फ्लावर कैबेज। मेथी को ए, वो धनिया पत्ती को क्या बोलते? एरिगैंडो। एरिगैंडो ओरिएंटल में एरी। ओरिएंटल हरियाणा ग्रैंड मम्मा ओवरडो जो कल वर्ष सुना एनोग्नी में क्या था? हां एनोग्नी में गाइस इन लोगों को कुछ नहीं आता भाई। लॉन्ड्री बैग को क्या बोलते? वॉश बैग। वॉशिंग बैग। लॉन्ड्री बैग को बोलते धुला हुआ गंदा हुआ कपड़ा लॉन्ड्री में गंदा हुआ। तो गाइज अभी निदा सुफियान और मोहम्मद भाई ये लोग जा चुके हैं और अभी हम फाइनली जा रहे हैं सोने। मम्मा इतने थक गए थे डिक्टेशन देते देते कि मम्मा थक चुके हैं। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने वीडियो और रिकॉर्ड की थी और 10 मिनट की और ऐसा और रात भर हमने किया। और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगे और चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको इसका एक और पार्ट ज़रूर बताऊंगी। और इसी के साथ मैं वीडियो करती हूँ यहाँ पर एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। मिलते हैं गाइस हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में।